दोस्तों बॉडी बिल्डिंग में डोरी नेट्स और ली हैन के बीच में राइवलरी होते होते बच गई थी, बट 1991 के ओलंपिया स्टेज पे डोरी नेट्स ने जानबूझ के कुछ ऐसे हरकतें करी थी और जिसका पलट जवाब भी देना पड़ा था ली हैन को। बट कुछ सालों बाद दोनों बॉडी बिल्डर ने अपोलोजाइज किया था इन हरकतों के ऊपर और एक दूसरे को सॉरी बोला था। बट दोस्तों मामला काफ़ी हिटअप हुआ था। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था उस ओलंपिया स्टेज के ऊपर जिसके बारे में हम आज बात करने वाले, और डोरी नेट्स ने क्यों हेट किया था ली हैन को, और आजकल उनके रिलेशंस कैसे है उसके बारे में हम बात करने वाले। दोस्तों अगर ली हैन की बात करूं देन उन्होंने 1984 से 1991 तक लगातार 8 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता। अगर डोरी नेट्स की बात करूं देन उन्होंने 1992 से 1997 तक लगातार 6 टाइम्स अपना ओलंपिया टाइटल जीता है। मतलब दोनों ही बॉडी बिल्डर्स दोस्तों एक बॉडी बिल्डिंग के लीजेंड्स है और उनको क्रिटिसाइज करना इस वीडियो का इंटेंशन नहीं है, बट बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री का हर एक इंसिडेंट जानना एक रियल बॉडी बिल्डर फैन की चाहत होती है। तो इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी सारा रिसर्च करके हिंदी में ट्रांसलेट करके ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो दोस्तों ली हैन जो है वो अपने पोजिंग के वजह से, अपने सिमेट्री की वजह से जाने जाते थे, तो डोरी नेट्स अपने मस्कुलर बॉडी की वजह से जाने जाते थे। गाइज डोरी नेट्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ली हैन को अपना आइडॉल मानते थे, उनकी वजह से उनको काफ़ी सारी मोटिवेशन मिली थी और उस टाइम पे लगातार 8 बार ओलंपिया जीतना कोई आसान बात नहीं थी जो कि ली हैन ने करके दिखाया था। तो डोरी नेट्स हमेशा से ही फैन रहे ली हैन के। बट डोरी नेट्स आगे जाके इंटरव्यू में ये भी कहते कि एज अ फैन मैं कभी उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकता, अगर मुझे उनके साथ कम्पीट करना है देन एक कंटेंडर समझ के ही मुझे कम्पीट करना पड़ेगा, एक कॉम्पिटिटर समझ के मुझे कम्पीट करना पड़ेगा, तब जाके मैं उनके साथ कम्पीट कर सकता हूँ और उनको बीट कर सकता हूँ। 1991 डोरी नेट्स का फर्स्ट ओलंपिया था और उसी साल उनको ली हैन के साथ कम्पीट करना था। ली हैन स्टेज पे किस तरीके से बिहेव करते, किस तरीके से पोज करते, किस तरीके से उनका एटीट्यूड रहता है, इन सारे चीज़ों के बारे में वो सोच रहे थे। मतलब उनमें कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप था कि उनको पता था कि जब वो ओलंपिया में जाएंगे देन उनका कंपैरिजन डायरेक्टली ली हैन के साथ होने वाला है। और एग्जैक्टली वही हुआ दोस्तों 1991 के ओलंपिया में, ली हैन को मिली फर्स्ट पोजिशन एंड डोरी नेट्स को मिली सेकंड पोजिशन। डोरी नेट्स का एक फ्रेंड था न्यूयॉर्क से, उन्होंने उनको कहा था कि ली हैन स्टेज पे काफ़ी एग्रेसिव तरीके से पोज को हिट करते हैं, एग्रेसिव तरीके से बिहेव करते हैं। तो डोरी नेट्स ने भी कुछ उसी तरीके से प्रिपरेशन किया था और वो भी चाहते थे कि वो एटीट्यूड उसके साथ ली हैन के साथ कम्पीट करे। बट स्टेज पे एक बिल्कुल उल्टा होता है, जो ली हैन होते हैं वो स्माइल के साथ डोरी नेट्स को देखते हैं, बट डोरी नेट्स का जो प्रिपेयर कर रहा था वो उनको स्टोन फेस के साथ देखते हैं, मतलब एक एटीट्यूड फेस के साथ उनको रिएक्ट करते हैं और बहुत सारे ऐसे हरकतें करते हैं। जैसे कि जब वो पोज कर रहे थे वो बार बार जानबूझ के अपना एल्बो ली हैन के फिजिक को टच कर रहे थे, बार बार उनके पोजिंग के बीच में दिक्कतें उनको पैदा कर रहे थे। जैसे कि आपको पता है फ्रंट लैट स्प्रेड जब कोई भी बॉडी बिल्डर हिट करता है देन उसके एल्बो बाकी के बॉडी बिल्डर्स को टच होते हैं, बट वो जानबूझ कर टच करना एक अलग बात होती है। तो डोरी नेट्स ने कुछ बिल्कुल इसी तरीके से करा था। डोरी नेट्स ने खुद इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने जानबूझ के कुछ ऐसी हरकतें करी थी ली हैन के साथ ताकि उनको लगे कि उनके टक्कर का कोई कॉम्पिटिटर आ गया है और वो उनसे डरता नहीं है। दोस्तों हम जैसे स्किनी लोग सोचते हैं इतना सारा खाना खाने के बाद भी हमारे मसल्स गेन क्यों नहीं हो रही, उसके बाद हम जाते हैं गेनर्स की तरफ। बट दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक गेनर में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, बिकॉज ट्रांसफॉर्म में न्यूट्रिशन में हर चीज़ जो डाली गई है उसे प्रूव करा गया है कि जब आप लोग उसे कंज्यूम करोगे वो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स देगी। बिकॉज उन्होंने गेनर में डाला है दोस्तों अश्वगंधा, उसके बाद उन्होंने डाला है गोक्षुरा, मतलब ये दो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट उन्होंने डाले। उसके बाद दोस्तों उन्होंने फास्ट मसल गेन के लिए प्रूवन हर्ब्स डाले, फायर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को उन्होंने ब्लेंड करके डाला है। और अगर दोस्तों मैं टेस्ट के बारे में कहूँ देन आपको मैंगो वैनिला फ्लेवर डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, बिकॉज आपकी डेली कैलोरी गोल के अलावा आपकी टेस्ट भी फुलफिल होगी। और इसके अलावा दोस्तों आपको हाई कार्ब प्रोटीन रेशो मिलेगा, साथ ही साथ 20 मिनरल्स एंड विटामिन्स आपको मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक करना और मेरा कूपन कोड यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाना। ली हैन कंटिन्यूसली एक जेंटलमैन की तरह, एक ट्रू चैंपियन की तरह पोज हिट कर रहे थे, पोजिंग कर रहे थे। और दोस्तों कुछ देर बाद जो डोरी नेट्स की हरकतें थे वो इतनी ज़्यादा हो गई कि ली हैन को भी उसका जवाब देना पड़ा। तो ली हैन ने कुछ अलग तरकीब बनाई, उन्होंने क्या किया जब डोरी नेट्स पोज हिट कर रहे थे तब उन्होंने पूरे अपने आर्म स्प्रेड करे, जैसा जो उनका पोज रहता है उसमें वो बाइसेप्स दिखाते, फोरआर्म्स को टाइट करते, अपने लैट्स को बाहर निकालते, और वो उनका पूरा हाथ डोरी नेट्स के मुंह तक चला गया था, मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट डोरी नेट के फेस को टच कर दिया था। तो इसी तरीके से दोनों ने एक दूसरे को पलट जवाब दिया था। बट कंपटीशन के बाद दोनों ही बॉडी बिल्डर साथ में बैठे थे, साथ में उन्होंने बातें करी एंड कुछ सालों बाद डोरी नेट्स ने खुद ने सॉरी कहा था ली हैन को, बिकॉज ये सारी हरकतें करना चालू डोरी नेट्स ने करा था और उसी के लिए ली हैन को पलट जॉब देना पड़ा था।
बट गाइज डोरिनेट्स और ली हैनी ने एक ही बार स्टेज शेयर करा था अपने लाइफ में, वो भी 1991 का ओलंपिया स्टेज, एक ही बार में उन्होंने साथ में कम्पीट करा था। अगर 2-3 साल और वो कम्पीट करते साथ में देन डेफिनेटली उनके बीच में भी राइवलरी बन सकती थी, जैसी बनी थी जय कटलर रॉनी कोलमन और टाइग्रीन एंड फिलिथ के बीच में। बिकॉज ली हैनी ने खुद से कहा है कि 1992 में मैं अगर रिटायरमेंट नहीं लेता, अगर मैं फिर से कम्पीट करने आता अपने 9th टाइटल के लिए, देन फिर भी मैं डोरिनेट्स को बीट करा था। बट डोरिनेट्स का मैं मानना है कि मैं उस साल अनबीटेबल था और उस साल मुझे कोई भी हरा नहीं सकता था। गाइज ली हैनी ने जब अपना फर्स्ट ओलंपिया टाइटल जीता था तब उनकी एज 25 ईयर्स थी, और डोरिनेट्स ने जब फर्स्ट ओलंपिया टाइटल जीता था देन उनकी एज 30 ईयर्स थी। तो जस्ट इमेजिन अगर डोरिनेट्स कुछ साल पहले आते थे देन उनके पास ज़्यादा टाइटल्स हो सकते थे, या फिर ली हैनी कुछ टाइम बाद आते थे देन उनके पास कम टाइटल्स हो सकते थे, बिकॉज दोनों को एक दूसरे को फेस करना पड़ता था। और 1992 में मुझे लगता है कि अगर ली हैनी आते देन डेफिनेटली डोरिनेट्स उनको बीट करते थे, बिकॉज डोरिनेट्स एक नेक्स्ट लेवल एरा की स्टार्टिंग उन्होंने करी थी, मास मास्टर उनको कहते थे लोग। और दोस्तों दोनों बॉडी बिल्डर के बीच में राइवलरी बिल्कुल नहीं है, दोनों बॉडी बिल्डर्स के बीच में एक प्यार, एक फ्रेंडशिप, एक ब्रदरहुड है, और डोरिनेट्स आज भी उनको अपना आइडल मानते हैं। सो गाइज यही आज का वीडियो था, वीडियो अच्छा लगता है देन डेफिनेटली कमेंट्स में मुझे बताओ कैसा लगता है, लाइक करो वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, उसके ऊपर मैं रिसर्च करूंगा और आप लोगों के लिए हिंदी में एक कंटेंट लाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल।